ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पौष महीने की पुत्रदा एकादशी के बारे में। इसका महत्व क्या है और इस दिन किस तरह की पूजा उपासना करने से आपको लाभ होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और पुत्रदा एकादशी का अलग से इतना ज्यादा महत्व क्यों है। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई व्रत है तो वो एकादशी का है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, मन की बीमारियां दूर होती हैं, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन से जुड़ी हुई समस्या भी ठीक होती है। साथ ही साथ जिनको मन की बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, मनोरोग हैं, इस तरह के रोग भी निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पुत्रदा का मतलब ये नहीं है कि केवल पुत्र की प्राप्ति का मामला है, संतान की प्राप्ति का मामला है और संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत अमोघ है। लेकिन इससे संतान की समस्याओं का निवारण भी सरलता से हो जाता है। अगर संतान के जीवन में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो उस समस्या का समाधान भी हो जाता है। अब ये जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा कैसे जाएगा, पुत्रदा एकादशी के व्रत को रखने के नियम क्या हैं? देखिए, ये व्रत दो तरीके से रखा जाता है। एक तो होता है निर्जल, जिसमें जल भी नहीं पिया जाएगा, और दूसरा होता है फल खाकर और जल पी करके इस व्रत को रख सकते हैं। सामान्यतः निर्जल व्रत पूरी तरह से जो स्वस्थ हो उसी को रखना चाहिए, बाकी लोगों को, सामान्य लोगों को फल खाकर या जल पी करके ये उपवास रखना चाहिए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए इस एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की या श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। उससे अगर संतान की प्राप्ति नहीं है तो वो हो जाएगी, और अगर संतान के जीवन में कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान भी जरूर होगा। अब ये जानते हैं कि जिनको संतान प्राप्ति करनी है या जो संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, वो पुत्रदा एकादशी पर क्या करेंगे। प्रातः काल पति और पत्नी संयुक्त रूप से एक साथ भगवान कृष्ण की उपासना करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करें। संतान गोपाल मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ये संतान गोपाल मंत्र है, इसका जप करें। मंत्र जप करने के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। अगर इस दिन उपवास रख करके प्रक्रियाओं का पालन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी जिनको भी संतान चाहिए, पति पत्नी एक साथ व्रत रखें, एक साथ भगवान कृष्ण या भगवान नारायण की पूजा करें और उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें, तो ये प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होगी। अब ये जानते हैं कि अगर पति या पत्नी में किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और मेडिकल के कारणों से संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करेंगे। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाएं, साथ में एक तुलसी की माला भी उनको अर्पित करें। इसके बाद एक विशेष मंत्र आपको बताते हैं, इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र होगा ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करें और जप करने के बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें और इसके बाद पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करें। जिसके भी जीवन में मेडिकल की प्रॉब्लम है वो उस तुलसी की माला को गले में धारण करे, नहीं तो पत्नी अपने गले में उस माला को धारण कर लेगी। अगर शादी हुए 5 साल से कम हुए हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करेंगे। पति पत्नी एक साथ
भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें, साथ ही साथ एक पीले चंदन की लकड़ी भी उनको चढ़ाएं, उनको अर्पित करें, उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं और स्वयं को भी हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करें और पाठ करने के बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। चंदन की लकड़ी के दो हिस्से करें, एक पति धारण करेंगे पीले धागे में बांधकर गले में और एक पत्नी धारण करेंगी पीले धागे में बांध करके गले में, संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो जाएगी। अब मान लिया कि पति पत्नी के विवाह को 5 साल से ज्यादा हो गया हो तो क्या उपाय करेंगे? भगवान कृष्ण का एक चित्र लगाएं जिसमें भगवान कृष्ण आशीर्वाद की मुद्रा में हो, आशीर्वाद दे रहे हों। उन्हें पीले रंग का भोजन अर्पित करें। इसके बाद उनके सामने गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और इसके बाद एकादशी के दिन पहली बार करेंगे, उसके बाद फिर रोज सुबह के समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते जाएं। पति पत्नी दोनों एक एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में धारण करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो प्रसाद आपने पीले भोजन का भगवान कृष्ण को अर्पित किया है वो पीला भोजन केवल पति पत्नी ही ग्रहण करेंगे। देख बिना ब्रेक डाउनलोड द ऐप।